हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के बारे में कुछ डिटेल कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, 14 सितंबर 1949 को, कब 14 सितंबर 1949 को जो हमारी भाषा है हिंदी, वो क्या बनी थी, देश की राजभाषा बनी। क्या बनी? राजभाषा। अब इसको राजभाषा बनने के बाद क्या हुआ, जो दक्षिण भारतीय राज्य थे ना, उन्होंने विरोध कर दिया और विरोध के चलते क्या किया, अंग्रेजी इंग्लिश को भी अगले जो 15 साल तक क्या राजभाषा बनाया गया। आपसे पूछा जाए विरोध किसने किया था, दक्षिण भारतीय राज्यों ने किसका विरोध किया था कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया, तो उसके चलते अंग्रेजी को राजभाषा कितने साल के लिए बनाया गया, 15 साल तक। अब अनुच्छेद आया था 343 जिसमें भाग 1 में क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को बनाया। क्या बनाया? भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, किसमें, अनुच्छेद 343 जिसमें भाग 1 हमारी भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। अब 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो राजभाषा बनाने के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस की शुरुआत कर दी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। कब से? 1953 से। अब देश में अब जो है 22 भाषाओं को क्या है, आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कितनी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, 22। लेकिन आरंभ में कब, जब हमारा ये हिंदी को भाषा राजभाषा बनाया गया उस टाइम क्या है, 8वीं अनुसूची में ना सिर्फ 14 भाषाओं का ही वर्णन था। कितनी? 14 भाषाओं का वर्णन। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हमारी 14 भाषाएं ये थी। उसके बाद जो है 22 भाषाएं बनी, तो उसके बाद 8 भाषाएं धीरे धीरे जोड़ी गई अकॉर्डिंग टू टाइम, जो भी समय हुआ जिस भाषा को ज़्यादा संशोधन किया गया उसको जोड़ लिया गया। अब 21वां संशोधन हुआ हमारे संविधान में, जिसमें क्या है 1967 में, 1967 में किसको शामिल किया, सिंधी को। हरियाणा कब बना था, 1966 में, और 67 में सिंधी को शामिल किया, किसमें, आधिकारिक भाषा में। अब 71वां जो संशोधन हुआ ना, 71 का संशोधन, उसमें 1992 में, कब हुआ था, 1992 में, उसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। अब हमारी थी 14 में एक जोड़ दी थी तो सिंधी हो गई 15 में। अब 1992 में संशोधन हुआ 71वां, जिसमें कितनी, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो अब हमारी कितनी हो गई, 14 में 1 15, 15 में 3 18। बानवे मतलब 92 का जो संशोधन हुआ, कब, 2003 में, जिसमें कितनी, 4 भाषाओं को जोड़ा, एक तो बोडो, डोंगरी, मेथाली, संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी, कब, 2003 में। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मेथाली, संथाली। अब संसार में हमारी हिंदी को कौन सा स्थान पता है तुम्हें, तो 3rd नंबर है हमारी हिंदी का, 1st नंबर है अंग्रेजी का, 2nd नंबर है हमारा मंदारिन का। कई बार डिटेल में मंदारिन को पहला दिखा रखा है और अंग्रेजी को 2nd, और कहीं की डिटेल में अंग्रेजी को पहले पे और मंदारिन को दूसरे नंबर पर दिखा रखा है, लेकिन हिंदी हमारी 3rd नंबर पर ही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 2006 में, कब, 2006 में।
किसने घोषणा करी थी मनाने के लिए? पीएम मनमोहन सिंह ने। अब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। और घोषणा कौन सी जगह पे हुआ था? सॉरी, नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में पहली बार कब? 10 जनवरी 1975 में। अब हिंदी का विकास देखिए, सबसे पहले क्या थी? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर क्या हुआ? हमारी हिंदी आई। तो पूछा जाए हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से। अब हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 52, जिसमें मूल वर्ण पूछे जाएं 11 स्वर और 33 व्यंजन। और इसमें देखिए अब किन किन वर्णों को छोड़ा गया है? अंग, अय्या, अणै, डै, अक्षय, त्रै, ज्ञै, अक्ष और श्रेष्ठमिक को छोड़कर जो है 44 व्यंजन को मूल वर्ण माना गया है, मूल वर्ण। अब ये तो हमारे मूल हैं। अब उच्चारण के आधार पे आपसे पूछा जाए वर्ण कितने हैं? 47, जिसमें 10 तो स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। पहले उसमें 11 स्वर थे जिसमें अब री को छोड़ दिया। अब 37 व्यंजन हैं तो उसमें से देखो अंगैया तो सेम है, अड़ै और अड़ै को ही छोड़ा है, बाकी ये जो है ये संयुक्त व्यंजन में शामिल कर लिए चारों। अब आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पे वर्ण कितने हैं हमारे? लेखन के आधार पे तो हमारे वर्ण 52 हैं, क्योंकि लिखने में तो हम 52 ही लिखते हैं। अब आपसे मानक वर्ण पूछे जाए वो भी सेम है, 52, जिसमें स्वर 13 और व्यंजन 39 हैं। 14 सितंबर को एक तो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अरे क्या मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जन्मदिन, उसकी जयंती भी मनाई जाती है, जो आजकल बच्चों को पता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 14 सितंबर को और क्या मनाया जाता है और किसकी जयंती मनाई जाती है, वो है राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।